प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। आज एक छोटी सी बात बोलने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आज हम एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर गॉस्पल प्रीचर या प्रभु की सेवा करने वाले अपनी मिनिस्ट्री में करते हैं, जिसके कारण वो स्वयं परसिक्यूशन को आमंत्रण देते हैं। एक परसिक्यूशन होता है जो स्वाभाविक है, लेकिन एक परसिक्यूशन वो होता है जो आप खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक प्रचारक अपनी सेवा में करता है वो ये है कि दूसरे धर्मों की बुराई करना, दूसरे धर्मों का अपने प्रचार के दौरान नाम लेना, दूसरे धर्मों की बुराइयों को प्रदर्शित करना। प्रभु यीशु मसीह ने ये करने के लिए आपको नहीं चुना है। प्रभु ने ऐसी सुसमाचार की सेवा करने के लिए आपको नहीं बुलाया। आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह की सेवा को देखिए, वो किस प्रकार से मिनिस्ट्री करते थे। प्रभु यीशु ने कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करी, कभी उसने कभी कंपेयर नहीं किया। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आपके पास यीशु मसीह के प्रेम के बारे में कहने के लिए, उसकी अच्छाई के बारे में लोगों को बताने के लिए इतना कुछ है कि आपके पास तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ कि लोग जब कभी अपनी गवाही देने के लिए खड़े होते हैं या किसी को प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, अपने विश्वास के बारे में जब लोगों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में वो उनके धर्मों की बुराइयाँ, कमियाँ और ऐसे वो उनके उस हिस्से को छू लेते हैं जहाँ पर उनकी जो भावनाएँ हैं उनको ठेस पहुँचता है और आपका विरोध शुरू हो जाता है। वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। प्रभु ने हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दी। प्रभु बोलते हैं कि निर्बुद्धि मत बनो, डोंट बिहेव लाइक अ फूलिश फेलो बट बिकम वाइज। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, हमें लोगों के साथ मसीह के प्रेम को बांटना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के बाद से आप कभी भी जब सुसमाचार की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, आप किसी भी आइडल का नाम मत लीजिए, किसी भी रिलीजन को आप कंडम मत करिए, रिलीजन्स को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। कोई व्यक्ति जो कई सालों से किसी धर्म में जुड़ा हुआ है, उसकी रूट बड़ी मजबूत हो रखी है, क्या वो आपके एक दो बार समझाने से, आपकी वाक्पटुता से, आपके आईक्यू लेवल से, आपकी दिमागदार ऐसी है ना स्पष्टीकरण से क्या वो प्रभु में आ जाएगा? प्रभु में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक पवित्र आत्मा कायल ना करे। ये आपका काम नहीं है किसी को विश्वास में लेकर आना। आपको सिर्फ प्रभु ने सुसमाचार बांटने के लिए कहा है, बाकी का जो काम है वो पवित्र आत्मा खुद करेंगे। होली स्पिरिट यूज टू कन्विंस एंड अट्रैक्ट समवन टू कम इनटू द लाइट। बाइबल कहती धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराते हैं। लेकिन आज हमारे ही प्रचार के दौरान बहुत से लोग हमसे कटते चले जाते हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं और वो हमसे दूर हो जाते हैं। परसिक्यूशन तो होगा, बाइबल में लिखा है कि जितने भी भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। बाइबल का वचन ये भी कहता है कि बिना सतावट के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। तो परसिक्यूशन तो होगा, लेकिन एक परसिक्यूशन वो है जो स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन एक परसिक्यूशन वो होता है जो आप खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं। आज बहुत से लोगों के मिनिस्ट्रीज बंद हो गई हैं, उनके चर्चेस में ताले लग गए सिर्फ उनकी मूर्खता के कारण। बहुत जगहों पर उन्हें पीटा जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, और इसके पीछे कई बार बहुत बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी मूर्खता और उनकी मैच्योरिटी होती है। प्रभु ने आपको एक समझदार सेवक के रूप में रखा है। आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, आपको पता होना चाहिए। दिन बुरे हैं, अपनी बुद्धि के साथ, अपने संयम के साथ आप प्रभु की सेवा करें, आपकी मिनिस्ट्री फ्लरिश होगी, उसके विरुद्ध कभी कोई खड़ा नहीं होगा। आप बहुत हद तक
चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं जो कहना चाह रहा था वो आप समझ पाए हैं। इस वचन को आप जरूर शेयर करें।